क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेट करना है टैन टू द पावर 4 एक्स डीएक्स को, तो टैन पावर 4 एक्स को हम लोग लिख सकते हैं टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इस एक टैन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स, फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे टैन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इंटू 1, और अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे टैन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसे इंटीग्रेट करने के लिए टैन एक्स को टी कंसीडर करेंगे, तो टैन एक्स को टी माना तो टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी, डैट इज सेक स्क्वायर एक्स, तो टी यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी, माइनस इस टैन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए टैन स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स लिखेंगे, तो ये टी क्यूब बाई 3 होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स हो गया, और फिर माइनस माइनस ए प्लस 1 होगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी, डैट इज टी के जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं टी इक्वल टू टैन एक्स था, तो टैन क्यू एक्स बाई 3 माइनस टैन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। बात है क्वेश्चन नंबर 17 पर।